तो भाई इस वीडियो में बात होने वाली है जिनके भी फ़ोन में माइक वर्क नहीं करता है, उनके फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की वजह से या फिर उनके फ़ोन की सेटिंग की वजह से, या जो भी उनके फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस वजह से माइक वर्क नहीं कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, ठीक है, कि भाई हमारा माइक वर्क नहीं कर रहा, हमारा फ़ोन ये है वो है। जो भी फ़ोन है जिसके में भी वर्क नहीं कर रहा, तो भाई ध्यान से वीडियो को देखते रहना, और साथ साथ में लास्ट में वीडियो के एक माइक भी बताऊंगा मैं, उसको यूज़ करना जिसके में भी वर्क नहीं करता, वर्क करेगा भाई, ठीक है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोई भी पार्ट स्किप करो, फिर वर्क ना करे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है भाई। तो चलो देखो, सबसे पहले ना जो एंड्रॉयड 10 या 10 के ऊपर जैसे एंड्रॉयड 11 है, इसमें माइक वर्क नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। माइक इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि जो भी ये कंपनी है, तो एंड्रॉयड 10 से जो भी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं या फिर जो भी एप्लीकेशंस हैं ना, तो ये वर्क नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई जिनका भी एंड्रॉयड 11 है या 10 है, तो वो लोग एक काम करो, सबसे पहले ना अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 9 कर लो। अब भाई एंड्रॉयड 9 कैसे करेंगे, तो उसके लिए यार मैं, अगर किसी को भी ये चाहिए तो कमेंट करो यार, इसके लिए तो मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। मैं बस बता देता हूँ कि एंड्रॉयड 9 करो, थोड़ा सा चलो बता देता हूँ, फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भाई वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, 8-10 मिनट का बनेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा यार, तो उसके लिए कमेंट कर देना। पर थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ये लिखना है, जो भी आपका डिवाइस है, ठीक है, जैसे वीवो वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वीवो लिखना है, फिर अपने डिवाइस का मॉडल लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ये लिखना है फ्लैश फाइल क्वालकॉम, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पे जाना है और इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके आगे की प्रोसेस क्या है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है भाई, ठीक है। यहाँ से जाके ये देखो, यहाँ से बस डायरेक्ट गेट लिंक की आ रहा है ना ऑप्शन, ये यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा है भाई, तो वो बताने में तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि एंड्रॉयड 9 होने के बाद क्या करना है, तो भाई देखो एंड्रॉयड 9 जब तुम लोग का हो जाता है, ठीक है, उसके बाद एक अपने फ़ोन की सेटिंग करना है, यहाँ पे जाना सेटिंग्स पे, देखो जो भी है तुम लोग के सामने ही करके दिखा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, कहीं और नहीं जाना मेरे को, बस यहीं से डायरेक्टली अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे गया, और यहाँ पे जाके लिखो साउंड एंड वाइब्रेशन, ये भाई वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन हो गया। अब ईयरफोन लगाए रहना भाई, ठीक है, ईयरफोन या माइक जो भी आप लोग लगाते हो वो लगाए रहना, ठीक है। तो भाई इसकी भी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। अब यहाँ पे जाके ना ईयरफोन्स जिसके मैं शो कर रहा है, वो जो मेरी वीडियो है वो जाके देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना, और जिसके मैं ईयरफोन नहीं शो कर रहा है, तो उसके में भाई एक यहाँ से एक्सटर्नल साउंड नाम की एक सेटिंग होगी, एक्सटर्नल साउंड, मेरे में ये नहीं है, मेरे में इंटरनल स्टोरेज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेटिंग मेरे में नहीं, मेरे में ईयरफोन वाली सेटिंग है, तो उसकी वीडियो मैंने दे रखी है, ठीक है। तो जिसके में ईयरफोन वाली नहीं आएगी, उसके में एक्सटर्नल मतलब माइक वाली आएगी, तो भाई उसको चेक कर लेना, ठीक है। और ये हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हें सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, देखो सबसे पहले तो जिसके पास भी न्यू अपडेटेड वर्जन है उसको पूरी तरह से अवॉइड करो भाई, अपडेटेड वर्जन किसी को भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सब ओल्ड वर्जन यूज़ करो। जिस भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, अमीनो से हो या फिर योयो से हो या फिर फोर फन से हो, कहीं से भी हो, एंड्रॉयड वर्जन 9 होने के बाद और पुराना वर्जन आने के बाद हमें क्या करना है, मतलब न्यू वर्जन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। और एंड्रॉयड वर्जन 9 भी हो गया है, ठीक है, मैंने बता दिया है, और एंड्रॉयड वर्जन 9 की वीडियो कहीं पे भी ना मिले अगर आप लोग को,
तो मुझे बताना, मैं क्लियरली बता दूंगा किसी भी एक वीडियो को बना के, ठीक है। अब बात आती है कि इतना कुछ हो गया, अब क्या करें। तो भाई इतना कुछ होने के बाद अब बारी आती है कि माइक कौन सा लगाएं, ठीक है। तो भाई माइक लगाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ईयरफोन का भी रोल होता है। तो भाई सबसे पहले ईयरफोन देख लो, कौन सी ईयरफोन लेनी है, ठीक है। तो भाई आप लोग को ले लेनी है ये वाली ईयरफोन, ओके, ये वाली ईयरफोन ले लेनी है। देखो मैं इस वीडियो में पूरी तरह से जिसको ये प्रॉब्लम्स आ रही है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये वीडियो देखने के बाद किसी को भी ये प्रॉब्लम, माइक वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए भाई सबकी, ठीक है। मैं इसलिए इसमें सब कुछ बता रहा हूँ। और ये ईयरफोन ढूंढ लेना, और अगर किसी को ना मिले तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही है, मेरे से आके एक बार बोलना, मैं तुम लोग के लिए ये ऑर्डर करवा दूंगा, ठीक है, तुम लोग के घर पहुंच जाएगी ये। तो भाई अब इन सबको हटाते हैं साइड पे, और अब देखते हैं कि क्या है, मतलब माइक कौन सा यूज़ करें, कौन सा बेस्ट माइक रहेगा, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट माइक रहेगा, तो भाई सबसे बेस्ट माइक है ये, बट आप लोग अगर इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो ये आप लोग को मतलब न्यू वर्जन मिल जाएगा। देखिए जैसे आप लोग को ना, आप लोग डाउनलोड करोगे तो इसका भी न्यू वर्जन आप लोग को मिलेगा, जो कि सही से वर्क ये भी नहीं करता है। ये मुझे वीडियो बनाने के बाद पता चला, मुझे नहीं पता था कि इसका कोई अपडेटेड वर्जन भी है। तो भाई मेरे से ये ले लेना, ठीक है, और ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम पे दे दूंगा आप लोग को। तो भाई ये ले लेना, ये माइक बेस्ट है। बस इसमें क्या करना है, बस इसे ऑन करना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, और ये वॉल्यूम फुल कर देना है बस, और ईयरफोन लगी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ईयरफोन भी लगी है, अब वॉल्यूम भी फुल है, और इसको ऑन कर दिया है। आवाज़ रिकॉर्डर में पता नहीं कैसी आ रही है, पर इधर से ही आती है, ठीक है। चलो भाई इसको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइक बेस्ट है भाई, डाउनलोड करना इसी को, बट मेरे से ले लेना। वैसे डाउनलोड करोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम देगा ये, या फिर गूगल पे जाके इसका पुराने वर्जन्स देख सकते हो यार, ठीक है। तो यार मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो तो, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।